झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है। इसको लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि 19 सितंबर की शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच रही हैं, जहां एयरपोर्ट से सीधे वह राजभवन की ओर जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी और 20 सितंबर को सुबह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एसपी रैंक के अधिकारी को सेक्टर तहत बांटा गया है और उसके नीचे डीएसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे और वहीं राष्ट्रपति की कारकेड का अभ्यास किया जा रहा है और जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगी जहां जितने भी कट हैं उसे बैरिकेटिंग की जा रही है। इस बात की जानकारी रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरे ने दी। राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम दिनांक 19 और 20 सितंबर का रांची में है, जिसमें 19 सितंबर को शाम को उनका आगमन है एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से राजभवन में है और राजभवन में उनको स्टे करना है और 20 तारीख को सुबह में प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकुम में प्रोग्राम है। तो इसके लिए काफ़ी इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और एसएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है और एयरपोर्ट टू राजभवन और राजभवन से लेके ICAR नामकुम तक में सारे इलाके को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है और इन सेक्टर के प्रभारी के रूप में एसपी रैंक के ऑफिसर होंगे। उनके नीचे में अनेक डीएसपी, इंस्पेक्टर और पर्याप्त संख्या में फोर्सेस लगाई जाएंगी। इन सारे रोड का, रास्ते का और कार्यक्रम स्थल का एंटी सबोटेज चेक समय पर किया जा रहा है। कारकेड की रिहर्सल भी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल को भी वरीय पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने विजिट किया है और इस कार्यक्रम को बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स हैं उनको सारा पूरा किया जा रहा है और इसके लिए डिटेल एक